तो भाई आपको तुर्की भी आनी चाहिए होगी, तो आप बताए ना। चले मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। नसल सुन सन, नसल सुन हर किस्म के जो है मेवे जात यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेवे आ गए, ये चने आ गए, अखरोट बादाम है, हर किस्म के। पर ये किसी की बारात जा रही है भाई साहब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो है तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हो रही है। दूल्हे की भी यहाँ पर गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हर चीज़ ही जो है पुराने तरीके की है, सफाई बिजली और गाड़ियों पे। ये एक यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज आरिफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम आपको बताने वाले हैं जी पन्या का कैंप। कैंप आपने तो नाम काफ़ी सुने होंगे, तो आज हम जा रहे हैं वहीं पे पन्या कैंप। बड़ा ही मशहूर कैंप है पन्या का, मतलब के काफ़ी बड़ा कैंप है। पहले मैं एक बार गया था, उसका मुआयना किया है, उस वक्त व्लॉग नहीं शुरू किया था। तो आज हम व्लॉग प्रॉपर तरीके से शुरू कर रहे हैं यहाँ से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गाड़ी में, लोकेशन है मेरी इस टाइम की पन्या। पन्या में मैं मौजूद हूँ, तो चलें अब चलते हैं पन्या कैंप में और वो आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या, मतलब कि वहाँ पर मैंने ये देखा है कि वहाँ पर जो है ना निज़ाम काफ़ी हद तक पुराना मौजूद है। हर किस्म की पुरानी जो है इमारतें हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे घर लोगों के बने हुए हैं। और मसलन के वहाँ पर हर चीज़ जो है पुराने तरीके से है। तो चलें अब वहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो ठीक है जी भाई साहब, ये हम पहुँचे हैं जी कैंप में। ये आप सामने जो देख रहे हैं एरिया, ये सारा जो है पन्या कैंप का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर कच्चे तंदूर भी पड़े हुए हैं। सारा यहाँ पर जो है माहौल पुराने तरीके से है। चलें आगे चलते हैं और आपको आगे मज़ीद भी बताते हैं। पन्या का कैंप और यहाँ पर हमारे भाई बना रहे हैं जी कावा। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ये आप क्या बना रहे हैं? कावा बना रहे हैं, माशाल्लाह। सिर पे पका रहे हैं, वो कावा बन जाता है दाल के। अच्छा अच्छा, आपका कावा बहुत मशहूर है यार, ये तो सब भी बोलते हैं। बिल्कुल आपका, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपका जो कावा है वो एक अलग ही अंदाज में होता है। तो भाई साहब ये जो हमारे भाई हैं, आपको आपने इनको अक्सर रावलपिंडी, आपकी रावलपिंडी में ना शॉप, लाहौर, लाहौर में और पैकेजेस मॉल पे। हाँ लाहौर और पैकेजेस में मॉल में है ये, वहाँ पर वो तुर्किश आइसक्रीम आपने देखा होगा, उसको भाई क्या बोलते हैं वो जो इस तरह करते हैं? अच्छा अच्छा, वो गेम है, तो भाई आपको तुर्की भी आनी चाहिए होगी, तो आप बताए ना। चले मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। नसल सुन सन, नसल सुन गोरंदायम इश्लेर माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भाई तुर्की की आती है, तो आपसे जो है मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। शुक्रिया जी। एक्चुअली मैं तुर्की से नहीं आया हूँ, साल हो गया मेरा इधर। अच्छा अच्छा, तो ये तुर्की जबान आपने यहाँ पे सीखी है? खुद एक्चुअली हमारा जुबान तुर्की है, हमारा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है।
अच्छा, आप बेसिक ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? कौन अफगानिस्तान से? ठीक है ठीक है, तो चलें भाई आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये बने हुए जी तंदूर, ये मिट्टी के तंदूर हैं जो तंदूरों पर लगे भी होते हैं, जिसके साथ लगाते हैं रोटियां। ये हमारे भाई ये बना रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, ये मेवे आ गए, ये चने आ गए, अखरोट, बादाम है हर किस्म के, और यहाँ पर भी मेवे पड़े हुए हैं, ऊपर गिरियाँ भी इनकी पड़ी हुई हैं हर चीज़ की। ये आप देख सकते हैं कावा की पत्ती हर किस्म की यहाँ पर मौजूद है। ये आप देखें, ये देखें, ये कावे की पत्ती है जो इनका फेमस कावा होता है, और यहाँ पर इनके पास खजूर वगैरह पड़ी हुई हैं हर किस्म की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, फ्रेश सब्ज़ी मौजूद है, गोभी, बैंगन, टमाटर वगैरह वगैरह। जहाँ तक देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने के लिए पुराना माहौल ही मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, गोभी पड़ी हुई है, ये पिंक गोभी है, ये दूसरी गोभी आ गई, ये बैंगन वगैरह, मटर, गाजर, टमाटर, सलाद का जो है सारा सामान यहाँ पर इनके पास मौजूद है। एक पुराने माहौल के साथ, पुराने मंजर के साथ, कच्ची दुकान के साथ। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हर चीज़ ही जो है पुराने तरीके की है, सफाई बिजली और गाड़ियों पे। ये एक यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों और पंखे, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, बाकी सब यहाँ पर जो है पुराना माहौल मौजूद है। पर ये किसी की बारात जा रही है भाई साहब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो है तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हो रही है, दूल्हे की भी यहाँ पर गाड़ी आ रही है, यहाँ पर किसी की बारात जा रही है, हर गाड़ी पर जो है ऊँचे ऊँचे म्यूज़िक लगे हुए हैं। तो आपको बता रहे हैं जी, यहाँ पर इनकी बारात का भी मंज़र। तो यहाँ पर हमने आज आपको बताया जी पुराना माहौल, पनिया का खूबसूरत कैंप जो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर इनके रवायती लिबास हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिछाने के लिए कलीने, रुमाल वगैरह हर चीज़, ये आप देख सकते हैं। तो मेरा असल मकसद ये था कि आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर लोग किस तरह रह रहे हैं, इनकी आबादियाँ जो हैं यहाँ पर भी आगे मौजूद हैं, वो भी कभी आपको जा के बताऊँगा। पर यहाँ तक था ये व्लॉग, यहाँ पर इनकी आगे आबादियाँ भी हैं।
तो उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।